सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास हेयर स्टाइलिस्ट। सो देख सकते हैं कैसा आया रिजल्ट। आज हम लोग करने वाले हैं ग्लोबल कलर विथ नैनोप्लास्टिया। सो देख सकते हैं क्लाइंट का ग्रे हेयर भी है। सो पहले हम लोग कलर करेंगे 6.52 के साथ 4 मिक्स करके इसको ग्लोबल एप्लीकेशन करेंगे। इसको कैसे करना है ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, पूरा वीडियो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और उसके बाद ग्लोबल कलर के बाद हम लोग करेंगे शैम्पू। इसमें जो हम लोग शैम्पू यूज़ करेंगे W1 का जो शैम्पू आता है फ्लोरा एक्टिव का, वही शैम्पू से हम लोग शैम्पू करेंगे। पहले हम लोग 2 टाइम शैम्पू करेंगे। सो जब हम लोग कलर को वॉश किए थे तो हम लोग कलर का शैम्पू से शैम्पू किए थे, उसके बाद हम लोग फ्लोरा एक्टिव का जो W1 का शैम्पू है उससे हम लोग शैम्पू करेंगे अच्छी तरह से। अगर आप लोग कलर गार्ड शैम्पू से नहीं करते हो तो आप इससे ही 2 बार शैम्पू कर लेना। सो इसको हम लोग अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे पानी से। सो ये रहा हम लोगों का नैनोप्लास्टिया फ्लोरा एक्टिव का W1। इसके साथ हम लोग जो स्प्रे आता है उसको यूज करेंगे। जो फ्लोरा एक्टिव का स्प्रे आता है पहले हम लोग 100% हेयर को ड्राई कर लेंगे। देन हम लोग हेयर स्प्रे को यूज करेंगे, ठीक है। जो फ्लोरा एक्टिव का स्प्रे है एज अ प्री ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि नीचे का हेयर हम लोगों का बहुत ज़्यादा ड्राई है। सो इसलिए हम लोग इसको पहले नीचे स्प्रे कर लेंगे। ये हेयर अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होता तो पहले इस पर बोटॉक्स करता, देन हम लोग इसके ऊपर नैनोप्लास्टिया करते। तो ये आप पहले देख लीजिएगा मीडियम ड्राई है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। अगर ड्राई नहीं होता है तो आप डायरेक्टली नैनोप्लास्टिया को एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो हेयर ड्राई है नीचे बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग इसमें स्प्रे को स्प्रे कर देंगे। देन हम लोग लेंगे नैनोप्लास्टिया। सो हम लोग 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड कर लेंगे प्रोफाइल। सो कलर देख सकते हैं पूरा ग्रे हेयर कवर हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं, सेक्शन बाय सेक्शन प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइन सेक्शन नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा थिक भी सेक्शन नहीं लेना है। पूरा हेयर में प्रोडक्ट मुझे प्रॉपरली इमल्सीफाई करना है और इस दौरान आपको कोम से प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करना है, मतलब इमल्सीफाई करना है, क्योंकि अगर हाथ से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग कोम से ही इमल्सीफाई करेंगे। सो ऐसे करके हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करेंगे। सो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में रखा हुआ बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरा वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जो दोस्त फेसबुक से देख रहे हैं तो वो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको अपडेट बहुत जल्दी जल्द से जल्द मिलते रहेगा, आपके पास पहुँच जाएगा। सो ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर लेंगे फुल हेयर में। सो एक बार जब प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो जाए देन हम लोग अच्छी तरह से कोम करके उसको इमल्सीफाई कर देंगे कि कोई गुंजाइश ना रहे गलती का। तो प्रोडक्ट अच्छी तरह से उसको स्प्लिट कर देना है। सो देखिए ब्रश को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे आप भी यूज़ कीजिएगा तो प्रोडक्ट कम से कम वेस्ट होगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वेस्ट ही नहीं होगा। सो प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद इसमें हम लोग क्लीन रैप को रैप कर देंगे, देन इसको हम लोग 90 मिनट तक ला छोड़ देंगे, ठीक है। 60 to 90 मिनट डिपेंड करता है हेयर क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद हम लोग करेंगे सैचुरेट। सो हम लोग इसको बस रिस्टार्ट करेंगे
इसको हम लोग को प्रोडक्ट को वॉश नहीं करना है, बस इमल्सीफाई करके जस्ट 10% जैसा प्रोडक्ट वॉश करना है, बाकी घर पे ही रहने देना है। देन हम लोग करेंगे ड्राई, और हम लोग 100% हेयर को ड्राई करेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे आयरन। सो आयरन का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 200 to 210, ठीक है। इसका दौरान होगा, और आयरन का बहुत आपको अच्छे से इसमें आयरन करना है, और आयरन का रिपीटेशन होगा 14 to 15 टाइम, ठीक है। और डिपेंड करता है पूरा हेयर क्वालिटी के ऊपर, अगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हेयर है, तो आप लोग उसमें 15 to 20 टाइम भी आयरन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना कर्ल्स है और हेयर क्वालिटी कैसा है। अगर और ज़्यादा वीक होगा तो हम लोग उसमें 8 से 9 बारी उसको आयरनिंग करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा हेयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऐसे करके हम लोग फुल हेयर में आयरन कर लेंगे, और आयरन का जो सेक्शन ले रहा हूँ देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा फाइन है ना बहुत ज़्यादा थिक है, मीडियम साइज सेक्शन लेके आपको आयरन करना है। अब आप कैसे समझिएगा कि आपका सेक्शन सही होल्ड है? सो एक जब सेक्शन लिए उसका नीचे हाथ दे के देख लीजिएगा कि उसका आपको अगर आपका फिंगर विजिबल हो तो मान लीजिएगा वो आपका सेक्शन सही है, उसमें काम कर सकते हैं। अगर आपका फिंगर विजिबल नहीं हो रहा है तो उस हेयर को और ज़्यादा फाइन ले लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है इसलिए आपको फिंगर नहीं दिखता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन लेने से हीट सही से नहीं पहुँचता, इसलिए रिजल्ट बहुत लोगों का सही नहीं आता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें आयरन ही सब कुछ है, सबसे मेन पार्ट है। सो उसको अच्छे से कीजिएगा। सो ऐसे करके हम लोग आयरन फुल हेयर में कंप्लीट कर लेंगे। सो कंप्लीट के बाद लुक आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, कितना शाइन आया देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे फिर से शैम्पू, ठीक है। वही जो हम लोग का W1 का शैम्पू है उसी से हम लोग शैम्पू करेंगे, अच्छी तरह से शैम्पू करेंगे कि हेयर से पूरा प्रोडक्ट निकल जाए। देन उसमें हम लोग W1 का जो कंडीशनर है वो कंडीशनर एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। उसको 10 मिनट रखने के बाद उसको भी हम लोग वॉश आउट कर देंगे। सो देन हम लोग करेंगे ब्लो ड्राई। सो अभी तकला जो वीडियो देख रहे हैं तो वो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये ट्यूटोरियल। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। सो हम लोग अच्छी तरह से ब्लो ड्राई कर लेंगे। सो नाउ सी द रिजल्ट, ठीक है। कलर देखिए, हेयर का कलर भी कितना एकदम बहुत ज़्यादा शाइनी कलर आया है, प्लस रिजल्ट भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। सो होप यू लाइक माई ट्यूटोरियल। सो बाय बाय।